नमस्कार, आज दिनांक 20 मई 2012 सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। महानगर में दाखिल होते ही शहर के अवैध धंधों पर अंकुश लगाकर शहर को आपराधिक गतिविधियों से मुक्त कराने वाले पुलिस आयुक्त अब मिशन क्लीन को अंजाम दे रहे हैं। इसी के तहत हुए कार्रवाई में चार चार्ली कमांडो को पुलिस आयुक्त ने निलंबित कर डाला। क्यूआरटी पथक के दो कमांडो भी इस कार्रवाई के तहत निलंबित हुए हैं। महानगर में दाखिल होते ही शहर के अवैध धंधों पर अंकुश लगाकर शहर को आपराधिक गतिविधियों से मुक्त कराने वाले पुलिस आयुक्त अब मिशन क्लीन को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार गुप्ता ने सीपी का चार्ज संभालने के बाद शहर से अपराध एवं अपराधियों का सफाया करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पुलिस और शहरवासियों में सदरक्षणाय का जज्बा इसी कठोर भूमिका की वजह से प्रस्थापित हुआ। अमरावती महानगर के सीपी का चार्ज संभालने के बाद अब तक के उनके निर्णय सदरक्षणाय के पक्ष वाले ही रहे हैं। कुछ अपवादात्मक घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो शहरवासी पुलिस कमिश्नर के कार्य की सराहना ही करते हैं, पर पुलिस आयुक्त के मातहत अधिकारियों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमितेश कुमार के पीठ के पीछे कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर अपराधियों का साथ तक देते हैं। इसलिए पुलिस आयुक्त से ये वस्तुनिष्ठ मांग थी कि दिए तले का ये अंधेरा मिटाने की कारगर कार्रवाई करे। कई पुलिसकर्मी, अधिकारी, चार्ली कमांडोज, क्यूआरटी पथक के पुलिसकर्मी पुलिस आयुक्त के नाम की धौत जमा कर आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहने की बात सप्रमाण उजागर हो चुकी है और अब ये पुलिस आयुक्त भी समझ चुके हैं। इन भ्रष्टाचारी और आपराधिक कृत्यों में लिप्त कर्मियों को सिटी चैनल आगाह करता है कि सावधान, अब आप पर भी गिरेंगी कार्रवाई की गाज। पुलिस आयुक्त के नाम का गैर वापर कर खल निगरानी को भुलाकर सदर रक्षणाय की जगह खल रक्षणाय की भूमिका वाले पुलिस कर्मियों का सफाया करने का मिशन क्लीन को पुलिस आयुक्त अंजाम दे रहे हैं। दोषी, भ्रष्टाचारी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पुलिस कर्मियों का सफाया पुलिस आयुक्त जाते जाते करना चाहते हैं। इसी के तहत बच्चों का गजनिकट करने वाले क्यूआरटी पथक के दो कमांडो पर निलंबन की कार्रवाई पुलिस आयुक्त ने कर डाली। अपने आप को सीपी समझने वाले तमाम दोषी कर्मचारी भी सीपी के कार्रवाई के लिस्ट में हैं, जिन पर कार्रवाई की तलवार लटकी देखी जा रही है। इतना ही नहीं तो एक जुए के अड्डे पर छापा मारकर छापे का लाखों का माल आपस में डकारने वाले और आरोपियों को छोड़ देने वाले पांच चार्ली कमांडो भी इस मिशन क्लीन के तहत निलंबित कर दिए गए हैं। क्यूआरटी टीम के दो कमांडो सहित चार्ली कमांडो नीलेश ठाकरे, जयसेन वानखड़े, बजरंग थोरात, विशाल भोसने, सचिन केने, इनका निलंबित कर्मियों में समावेश है। इन निलंबित कर्मियों को पुलिस सेवा से भी बर्खास्त कर दिया जा सकता है और ऐसे ही आपराधिक कृत्य वाले पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। किसी को अगर किसी की शिकायत करनी हो तो पुलिस आयुक्तालय आकर मिले, ऐसा आह्वान भी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार गुप्ता ने किया है। स्थानीय कोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले हनुमान नगर हैदरपुरा निवासी मृतक जावेद शाह के हत्यारों पर अपराध दर्ज करने तथा हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए संतप्त जमाव ने कोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन को घेर लिया तथा मृतक के एक परिजन ने कोलापुरी गेट पुलिस थाने में आत्मदाह करने का प्रयास किया। बिगड़ते माहौल को देख कोलापुरी गेट पुलिस ने मृतक जावेद के हत्यारों पर 302 के तहत मामला दर्ज किया। स्थानीय कोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले हनुमान नगर हैदरपुरा निवासी जावेद शाह नामक 20 वर्षीय युवक पर परिसर के ही चार हमलावरों ने बुधवार की रात धारदार शस्त्रों से हमला किया। इस हमले में लहूलुहान हुए जावेद को उपचार हेतु एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार की दोपहर
जावेद की उपचार दौरान मौत हुई। इस मामले में कोल्हापुरी गेट के पीआई बाड़ा साहेब कदम ने हत्यारों पर कोई अपराध न दर्ज करने पर तथा हमलावरों को गिरफ्तार न करने पर मृतक जावेद के परिवार वालों ने शनिवार को कोल्हापुरी गेट थाने में काफी हंगामा किया। मृतक जावेद के एक परिजन ने कोल्हापुरी गेट थाने में आत्मदाह करने की भी कोशिश की, जिस पर गरमाए माहौल को शांत करने के लिए पुलिस ने मृतक जावेद के हत्यारों पर 302 के तहत मामला दर्ज किया। हमारे संवाददाता ने दी जानकारी अनुसार हनुमान नगर हैदरपुरा के हमलावर मोहम्मद आबिद मोहम्मद शाबिर मोहम्मद सादिक मोहम्मद शाबिर मृतक जावेद शाह के परिवार वालों पर घर बेचने के लिए दबाव डालते थे। मृतक जावेद ने मना करने पर इन हमलावरों ने जावेद पर धारदार शस्त्रों से हमला किया, जिसकी शुक्रवार को उपचार दौरान मौत हो गई। आगामी 25 मई को विधान परिषद का चुनावी मतदान होगा। इस चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी ही चुनाव जीतेंगे, ऐसा विश्वास राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने महानगर दौरे में व्यक्त किया। आगामी 25 मई को विधान परिषद का चुनावी मतदान होगा। इस चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी ही चुनाव जीतेंगे, ऐसा विश्वास राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अमरावती दौरे में व्यक्त किया। एमएलसी के चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी बबलू देशमुख के प्रचारार्थ राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अमरावती दौरा कर अमरावती विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के मतदारों से बबलू देशमुख को विजयी कराने की अपील की। त्याला आपण निर्धारण तोंड देतोय, आज या सगळ्या समस्या आल्या तरी गतीने विकास करायची क्षमता आज केंद्राच्या आणि राज्याच्या आघाडी सरकार मध्येच आहे। इतर कुठले पक्ष आणि काही अपक्ष संधी साधूपणा करून काहीतरी अडचण करून आज लोकशाही प्रक्रियेला काही वेगळा मार्ग न्यायचा प्रयत्न करताय। मला खात्री आहे की तुमच्या मतदारसंघातल्या सामान्य जनतेने तुमच्यावर विश्वास टाकून तुम्हाला एक पद भूषवायला संधी दिलेली आहे। आणि निश्चितपणे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये काही आमदार मंडळी बोलली, आपापल्या पक्षाचे नेते बोलले आणि त्यांनी जे आश्वासन दिलेलं आहे, मला खात्री आहे की उद्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये लोकशाही आघाडीचे उमेदवार बबलू देशमुख यांचा प्रचंड मताने विजय होईल आणि लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये स्थानापन असलेल्या लोकशाही आघाडी सरकारच्या माध्यमातून या जिल्ह्याचा विकास व्हायला आणखी मोठी मदत होईल। म्हणून एवढंच या ठिकाणी बोलून आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। रविवार की सुबह 11 बजे नागपूर महामार्ग पर स्थित एक होटल में मुख्यमंत्री ने मतदारों से ये अपील की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राज्य मंत्री मुळक, विधायक यशोमती ठाकुर, रवि राणा, वीरेंद्र जगताप, जीप अध्यक्ष सुरेखाताई ठाकरे, विधायक दोन्ही पक्ष लोकशाही आघाडीचे सर्व घटक आता येणाऱ्या 2014 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याकरता तयार आहोत। या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पैशाचा वापर होतो असं नेहमी म्हणजे एक सर्वसाधारण बोलले जाते। निवडणूक आयोग त्याकडे लक्ष ठेवून आहे, म्हणजे आमच्या पद्धतीने काम करणार सर। आमचे राष्ट्रीय पक्ष आहेत दोन्ही, त्यामुळे कोणी काय करायचं त्याच्यावर निवडणूक आयोग लक्ष ठेवून असेल। आपण स्वीप काढणार आहात का सगळ्या सदस्यांसाठी? तो नेहमी असतोच सर, आमच्या पक्षाचे सर्व सदस्य व्हीप असतोच। दरवेळेस पाहायला गेलं की क्रॉस वोटिंग मोठ्या प्रमाणावर होतं, गुप्त मतदार आहे ना, त्यामुळे व्हीप काढला तरी गुप्त मतदानाचं काय आपल्याला कसं कळणार सर? पॅकेजच्या 6 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या 4 महिने 300 आत्महत्या केल्या शेतकऱ्यांनी, या संदर्भात शासन काय म्हणून? आता असं आहे की राज्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे। अमरावती विभागामध्ये आणि नागपूर विभागामध्ये गेल्या 2 वर्षांमध्ये ज्या ज्या अडचणी निर्माण झाल्या त्या अडचणीला तोंड देण्याकरता आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये शासन उभं राहिलं। गेल्या वर्षी 2000 कोटीचं ते जादी 1000 कोटीचं मदतीचं पॅकेज आम्ही जाहीर केलं, ते मिळालेलं आहे। अर्थात या पॅकेजने काही कायमची समस्या सोडेल असं नाही आहे, कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवण्याकरता, सिंचन निर्माण करण्याकरता काय नवीन स्ट्रॅटेजी काय करता येईल याबद्दल आमचे प्रयत्न चालू आहेत। सर आपण 2000 कोटीचं जे पॅकेज निश्चित केलं, पैसा येऊनही अजूनही वाटप झालेलं नाही? असं नाही आहे, वाटप करायला वेळ लागतो, याद्या करायला बराच वेळ लागला, पण पैसे आम्ही दिलेले आहेत। स्थानिक ठिकाणी मी आढावा घेतोय आणि वाटप चालू आहे, काही ठिकाणी अजून राहिला असेल तर मी निश्चित पाहिजे। सर अमरावती जिल्ह्यात 70% वाटप अद्याप बाकी आहे, पैसे पण दिलेले आहेत, पैसे आले सर। आणि मला वाटतं काही याद्या करण्यामध्ये, काही कुडाला जायचे काही करण्यामध्ये काही अडचणी असतात दुरुस्त करायचं।
जिल्ह्यातल्या पथदर्शी प्रकल्प 20 कंपनीचा रद्द करण्यात आला. असं नाही, तुमच्या मंचाने कुठला पथदर्शक पायलट प्रोजेक्ट राबवला जातो. ऊर्जा खात्याने तो पायलट प्रोजेक्टमध्ये अमरावती महानगर सामील केलं होतं त्या संदर्भात. मला त्याची माहिती घ्यावी लागेल कुठल्या ऊर्जा खात्याचं मला माहिती. सर, सिंचनावर श्वेत पत्रिका काढायची वेळ सरकारवर आता वेळचा प्रश्न नाही. सरकार आणि जनतेमध्ये संपर्क राहायला पाहिजे. आपण आर्थिक सर्वेक्षण वगैरे देतो ते सरकारला आपण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची माहिती देत असतो. शेवटी जर लोकांना नाही माहिती द्यायची तर कोणाला द्यायची. सर, मनपाची सत्ता द्या, निवडून द्या, आम्ही मनपाला चांगला आर्थिक बळ देऊ असं आपण एका सभेत सांगितलेलं होतं. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवरून 2 महिने झालेले आहे आणि आर्थिक परिस्थिती एकदम खराब आहे. 2 आपल्याकडे प्रतिनिधी मंडळी आलेलं आहे. आपण चालू आहे त्याच्याबद्दल चर्चा चालू आहे. केव्हा मिळणार काय आता चालू आहे. चालू आहे, विचार चालू आहे. मला निवेदन मिळालेलं आहे, त्यावर विचार चालू आहे. वेतन नाही आहे आणखी 20 कंत्राटदारांचा संप सुरू आहे. काय परिस्थिती चिघळलेली आहे महापालिकेची. हाल ही में संपन्न हुई अमरावती मनपा की आम सभा एमएलसी चुनाव का हवाला देकर औपचारिकता पर निपट गई. शहर के वस्तुनिष्ठ सवालों पर भी चर्चा करना सत्ताधारियों ने उचित नहीं समझा, जिससे ये कैसी आचार संहिता और यह कैसा व्यवस्थापन, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है. हाल ही में संपन्न हुई अमरावती मनपा की आम सभा विधान परिषद चुनावों का हवाला देकर औपचारिकता पर निपट गई. शहर के वस्तुनिष्ठ सवालों पर भी चर्चा करना सत्ताधारियों ने उचित नहीं समझा, जिससे ये कैसी आचार संहिता और ये कैसा व्यवस्थापन, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है. मनपा की आमसभा ये विधान परिषद चुनाव आचार संहिता के चलते निर्णायक भूमिका वाली नहीं रहेंगी, ये तो तय था. पर वस्तुनिष्ठ गंभीर मुद्दों पर तो चर्चा होनी ही चाहिए थी, पर हुआ उससे बिल्कुल विपरीत. जैसे ही मनपा महापौर के बंगले से पकड़ा गया लाखों रुपयों का गांजा और सांस्कृतिक भवन के गैरवापर का मुद्दा उठा, ये आमसभा तुरंत स्थगित कर दी गई. इन सवालों पर महापौर ने अपना जवाब तक सभापति पटल से दाखिल ना कराया. बाद में जब उनसे पूछा गया तो जवाब भी कार्रवाई हास्यास्पद और संदेहास्पद ही थी. चालू झाले असता त्या आमसभेमध्ये सांस्कृतिक भवन आणि महापौर बंगल्यातील गांजा या याच्यावर प्रश्न उठले होते. त्या बाबतीत आपलं काय म्हणणं आहे? महापौर बंगल्याचं असं आहे की ते इथचे जे प्रशासन आहे ते कारवाई करायला पाहिजे, की तिथे कडक कारवाई करून ते चौकीदार वगैरे आहे ते चेंज करायला पाहिजे. तिथे त्यांची जे ड्युटी आहे गोण्याची ते तो कंटिन्यू न बंगल्यात राहता त्याची जे रूम आहे चौकीदारची रूम तिथे राहून त्यांनी ड्युटी सतत कंटिन्यू केली पाहिजे. आणि एक रजिस्टर द्यायला पाहिजे त्याला की विचारपूस न करता कोणी आतमध्ये घुसू नाही दिलं पाहिजे. आधी नाव हे करायचं, ॲड करायचं आणि त्याच्यानंतर एंट्री. आयुक्त साहेबांचंही काम त्यांची जबाबदारी आहे ना. तुम्ही जेव्हा तिकडे आदेश फॉलो करसाल तेव्हा ते आदेश देऊ. आता कसं ते कामकाज पण तेच समजा हे त्यांनी हे केलं होतं. आता काही थोडं काम राहिलं होतं त्याच्यामुळे आपण कसं पक्षाच्यासाठीच उपयोगी करतो ना. कोणतीही मिटिंग येते राहते तर कोणत्याही पक्षाचा असो तो महापौर शेवटी मिटिंगसाठीच उपयोग करतो ना. अंबानगरी अमरावती महानगर की प्रथम नागरिक और अमरावती महानगर पालिका की महापौर सौ वंदना कंगाले को महापौर बने महीनों बीत चुके हैं, पर उन्हें आज तक महापौर के अधिकार क्या होते हैं, महापौर क्या क्या कर सकता है, महानगर के प्रति महापौर का उत्तरदायित्व तो क्या होता है, इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया. मनपा महापौर के खुर्ची पर बैठकर और महापौर को मनपा प्रशासन से मुहैया सेवा सुविधाओं का लाभ लेने में ही महापौर महोदया खुश है, ऐसी वस्तुस्थिति उजागर हो रही है. अमरावती मनपा का महापौर पद सिर्फ औपचारिकता वाला शोभा का पद बनकर रह गया है. आज तक महापौर सौ वंदना कंगाले ने एक भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है. अपने मातहत अधिकारी जो उन्हें बताते हैं उन्हीं पर महापौर महोदया अमल करती है, ऐसा महापौर महोदया की करतूतें देखकर स्पष्ट होता है. किसी भी समस्या पर महापौर महोदया को पूछा जाए तो उनका इशारा मातहत अधिकारियों की ओर जाता है. मनपा के सभागृह में भी महापौर महोदया की उपस्थिति सिर्फ औपचारिकता वाली ही रहती है. फिर महापौर महोदया से महानगर अपेक्षा पूर्ति की उम्मीद कैसे करे? महानगर में कहां क्या चल रहा है ये तक महापौर सौ कंगाले को पता नहीं रहता.
इससे उनकी इस पद को जरूरत है भी या नहीं, ऐसा सवाल उपस्थित होता है। हाल ही की बात है, पूरा महानगर जान चुका है कि महानगर के सांस्कृतिक वास्तु का गैर वापर हो रहा है। इतना ही नहीं तो सांस्कृतिक भवन के इतिहास में पहली बार एक साथ तीन तीन विभागों ने सांस्कृतिक भवन का गैर वापर कर जारी शिविर पर छापामारी की। मनपा उपायुक्त ने मनपा के बाजार परवाना अधीक्षक, सांस्कृतिक भवन के व्यवस्थापक सहित IAS अकादमी के प्राध्यापक नरेश चंद्र काठोड़े को भी शो कॉज जारी किया है। और अचरज वाली बात तो ये कि जिस महानगर पालिका के वास्तु का गैर वापर हो रहा है और मनपा प्रशासन इस पर कार्रवाई की भूमिका में उतर चुका है, उसी महानगर पालिका के महापौर को इन सब की भनक तक नहीं है। है ना कमाल की बात। पद और प्रतिष्ठा की औपचारिकता निभा रही महापौर सौ वंदना कंगाले से इस बाबत शनिवार को पत्रकारों ने जब पूछा तो महापौर मैडम ने जो जवाब दिए वह अत्यंत हास्यास्पद साबित हुए। पता नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये लोग मुझे बताते ही नहीं, मेरे दौरे करने से क्या होगा, कार्रवाई करने का काम पक्ष करेगा, ऐसे कई विपरीत तथ्यों वाले जवाब महापौर मैडम ने पत्रकारों को दिए। नाही पण माझ्याकडे नाही, हे आयुक्त साहेबांचंही काम बरोबर आहे तुमचं, पण त्यांची जबाबदारी आहे ना। तुम्ही जेव्हा तिकडे आदेश फॉलो करसाल तेव्हा ते आदेश देऊ। आता कसं ते कामकाज पण तेच समजा हे त्यांनी हे केलं होतं, आता काही थोडं काम राहिलं होतं त्याच्यामुळे आपण कसं पक्षाच्यासाठीच उपयोगी करतो ना। कोणती मीटिंग येते राहिले तर कोणत्याही पक्षाचा असो तो महापौर शेवटी मीटिंगसाठीच उपयोग करतो ना। हमारे पक्ष नेता ये सब है, सबके साथ जाना पड़ता है, अधिकारी है उनको भी लेके जाना पड़ता है। आयुक्त पण नाही आहे ना, आयुक्त वगैरे आता उप आयुक्तांना न्यावं लागेल। मॅडम आयुक्त नाही आहे तर महानगर पालिका बनतो नाही हो जाएंगे ना, चालू रहेंगे ना महानगर पालिका, काम तो होते ना पूरा। कैसा है जो आपने चैनल वालों ने रिकॉर्डिंग करके रखे फिर भी मनपा का ध्यान नहीं है, कौन अंदर जाता कौन बाहर आता, प्राइवेट वहाँ पे गार्ड रहते हैं, वो पूरा कब्जा कर लेते सांस्कृतिक भवन पे। कोणाला ही असं परमिशन द्यायलाच नव्हतं पाहिजे। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे सांगितलं की आर्ट गॅलरी कलावंतासाठी आहे, ते इकडे डोंगरे साहेब म्हणतात असा कुठलाच नियम नाही आहे। कला म्हणजे काय, एक त्याचं नाट आर्ट गॅलरी म्हटलंय, तिथे अपेक्षित आहे की गॅलरी कलाच्या बाबतीत कार्यक्रम होणे अपेक्षित असतो। डोंगरे साहेब एकीकडे वेगळं म्हणतात, ते उपायुक्त वेगळं म्हणतात, धंदे होता ते दवाखाना देत नाही। वहाँ पे जो ठाकरे व्यवस्थापक है वो बोले डोंगरे साहब जितना बोलते उतना हम करते बोले, और बड़े साहब का ऑर्डर हमको मानना पड़ता, मालूम है गलत हो रहा बोले, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते बोले, हमको ऑर्डर मानना पड़ता, नहीं तो बोले हमारी नौकरी खतरे में रहती बोले, सीधा बोलते वो मैंने ये गलती कर रहे उनसे भी करवा रहे हो। अपनी खामियां उजागर होते दे महापौर महोदया को आखिर मनपा पक्ष नेता की मदद लेनी पड़ी, तब जाकर पत्रकारों के वस्तुनिष्ठ सवालों के जवाब मिल पाए। एक नोटीस असं काढा याच्यानंतर आर्ट गॅलरी देण्यात आली त्या अधिकाऱ्याला त्याच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याची, आता आर्ट गॅलरी द्यायला नाही पाहिजे, शोकॉज नोटीस आजवर इश्यू झाली। याच्यानंतर आर्ट गॅलरी कोणालाही देऊ कोणालाही देऊ देण्यात आली तर त्या अधिकारी त्याला तो प्रशासकीय कागद तो पात्र नाही, याच्यावर तुम्ही पुढे काही कारवाई केली का?
जेवढे आहे फिर चुनाव और पदग्रहण समारोह के बाद से लेकर आज तक महापौर सौ वंदना कंगाले मैडम ने सिर्फ स्वयं के सेवा सुविधाओं पर ही ध्यान दिया क्या? मनपा की कार्यप्रणाली और महापौर का महानगरपति उत्तरदायित्व महापौर महोदया क्या पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद समझेंगी? क्या महापौर एक भी सकारात्मक निर्णय नहीं लेगा? ऐसे कई दक्ष सवाल शहरवासियों को सता रहे हैं, जिसके जवाब महानगर के सत्ताधारियों को देने होंगे। देखते क्या कहते आज का कार्टून कोना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देखते क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। सारा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। रविवार को शहर का तापमान उष्ण रहा। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस आका गया, तो न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ था। सोमवार को भी शहर का तापमान उष्ण रहने का अनुमान है। मौसमी परिवर्तन अनुसार आगामी कुछ दिनों में तापमान का पारा कम रहेगा, ऐसी जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। आज का सुविचार कहता है, हम सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनका सामना किस ढंग से करते हैं। अब नजर डाल दें कुछ मुख्य खबरों पर। रविवार को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इनका महानगर आगमन हुआ। विधान परिषद चुनावी हलचले के तहत ये महानगर आगमन हुआ था। अमरावती पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, इन्होंने विधान परिषद प्रत्याशी और मतदाताओं से रूबरू होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस के प्रत्याशियों को एमएलसी चुनाव में विजयी कराने का आह्वान किया। उसके पश्चात मुख्यमंत्री महानगर के प्रसिद्ध उद्यमी लप्पी सेठ जाजुदिया इनके निवास स्थान पहुंचे। यहां एक छोटे खानी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इसी के बाद लप्पी सेठ द्वारा उनके पिताश्री की स्मृति में अमरावती के हिंदू स्मशान संस्था को 1 लाख रुपए, महानगर के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को 1 लाख रुपए, तपोवन संस्था को 1 लाख रुपए तथा मधुबन संस्था को 5 लाख रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री के हाथों वितरित किए गए। इस अवसर पर शहर के जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, समाज सेवक व गणमान्य मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। परतवाड़ा शहर का हृदय स्थल कहा जाने वाले सदर बाजार में कुछ व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण से ये यातायात में काफी दिक्कतें आ रही है। सदर बाजार के दुकानदारों ने अपनी दुकानें रास्ते के किनारे तक बढ़ाकर फुटपाथ के जगह पर भी अतिक्रमण किया है। सदर बाजार के दुकानों में आए ग्राहक दुकानों के सामने ही वाहन खड़े करते हैं, जिससे यातायात में बाधा पहुंचती है। दुकान के ज्यादा बाहर बढ़ाए गए दुकान के हिस्से उखाड़ने के लिए नगर पालिका प्रशासन को कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन मुख्य अधिकारी से लेकर अभियंता तक सभी की मिलीभगत से परतवाड़ा के सदर बाजार में अतिक्रमण राज फैला होने से अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। जल का दुरुपयोग तथा वृक्ष तोड़ के कारण निसर्ग का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या निर्माण हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जेसीआई अचलपुर मेलघाट द्वारा वसुंधरा बचाओ उपक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। अचलपुर नगर पालिका के नगर अध्यक्ष अरुण वानखड़े ने इस उपक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर पृथ्वी पर की जीवन सृष्टि अबाधित रखने के लिए नगर पालिका के पार्षदों द्वारा पानी बचाओ संदेश भी दिया गया तथा वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर नगर पालिका के पार्षद तथा जेसीआई अचलपुर के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। अचलपुर मेलघाट, अचलपुर नगर पालिका, इनके संयुक्त तत्व ज्ञान में आज यहाँ पर पेड़ लगाओ, देश बचाओ, इस सरजमीन को बचाओ, हमारी धरती माता को बचाओ, इसके लिए एक विशेष उपक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। यहाँ पर इस उपक्रम में अचलपुर के नगराध्यक्ष
अरुणभाऊ वानखडे मुख्य अधिकारी श्रीकृष्ण मालसिंग साहेब यहाँ के नगर अभियंता अलकरी साहेब उप अभियंता दुरानी साहेब और पालिका के सभी वरिष्ठ पार्षद और समस्त कर्मचारी वृंद यहाँ पर उपस्थित है जो कि यहाँ पर इस धरती को बचाने के लिए यहाँ पर एक विशेष नारा जेसीआई अचलपुर मेलघाट के माध्यम से दिया जा रहा है। हम जानेंगे हमारे साथ में है अरुणभाऊ वानखडे कि यह उपक्रम क्या है और इसका क्या संदेश जाना चाहिए। जेसीआई मेलघाट की तरफ से जो ये उपक्रम चलाया जा रहा है सेव लाइफ सेव पोल्यूशन सेव ये जो उपक्रम जेसीआई की तरफ से चलाया जाए ये बहुत ही सराहनीय है। सब लोगों ने अपने धरती बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए झाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पानी की बहुत संचय है, पानी भी बचाना बहुत ज़रूरी है। पानी जीवन है और ये जो झाड़ है झाड़ से जो नेचर बनता है वो नेचर भी बचाना बहुत ज़रूरी है। हम महानगर पालिका हम हमारी नगर पालिका की तरफ से आने वाली बारिश में 25,000 झाड़ लगाने का उद्देश्य रखे हैं। आने वाली बारिश में हम लोग हमारे सब नगर सेवक और हमारे कर्मचारी 25,000 झाड़ लगाएंगे और धरती को बचाने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सब लोगों से विनंती है कि जितने झाड़ लगाएंगे उतना ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगा और धरती का लाइफ और इंडायरेक्टली आदमी का लाइफ बढ़ेगा। जेसीआई ने आज पर्यावरण विषय एन्वायरमेंटल कैम्पेन वर्ल्ड एन्वायरमेंट कैम्पेन निमित्ताने जो उपक्रम घेतला आहे तो नक्कीच समाजाला एक चांगला विचार देईल। आज खरंच काळाची गरज आहे की पर्यावरण पाणी आणि या ज्या गंभीर समस्या आहेत त्यासाठी पर्यावरण संवर्धनासाठी पाणी जपून वापरणे झाडं लावणे आणि जंगलाची निगा राखणे आणि जंगल संवर्धन करणे गरज आहे आणि त्या या उपक्रमाला मी शुभेच्छा देतो आणि आमच्या नगरपालिकेतर्फे जे जे शक्य होईल त्या दृष्टीने पर्यावरणाच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करतच आहोत आणि यावर्षीसुद्धा पावसाळ्यात झाडं लावून जगवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतो। अचलपूर मेलघाट के माध्यम से पर्यावरण को प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए यह जो संदेश दिया गया है उसकी वाकई शहर में सराहना की जा रही है। कैमरामैन मोनी के साथ नितेश किल्लेदार सिटी न्यूज परतवाड़ा। अचलपुर नगर पालिका अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 38 अब्बासपुरा में कई दिनों से नियमित जलापूर्ति न होने से स्थानीय निवासियों को जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जलापूर्ति विभाग द्वारा अब्बासपुरा में कम समय के लिए नल छोड़े जाते हैं जिससे नागरिकों को घरेलू इस्तेमाल तथा पीने के पानी के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता। कई दिनों से जल किल्लत का सामना कर रहे अब्बासपुरा निवासी वार्ड में नियमित जलापूर्ति होने के मांग को लेकर नगर पालिका कार्यालय जाधम के नगर पालिका के नगर अध्यक्ष अरुण वानखड़े के कैबिन को घेराव कर नियमित जलापूर्ति होने की पुरजोर मांग की। फिर जब काल का काम जोड़ा गया तो भंडागर के कारण नगर अध्यक्ष अरुण वानखड़े ने जल किल्लत की समस्या जल्दी निपटाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थी। कारण की आमचे 2-3 नळे झाले आहेत ना, ते टाकी असल्याच्यानं ते आम्हाला बंद करून ठेवतात। आम्ही चालू करायला गेलो की नंतर अजून बंद करून ठेवतात। आम्ही पाणी भरायचं कसं, प्रश्नच आहे ना। ते गेला तर गोटमार सोडतात आमच्यावरच आणि आम्हाला पाण्याची खूपच टंचाई चालू आहे। कोणतं वार्ड आहे? अब्बासपुरा। तुम्हाला पाणी पोहोचत नाही का तिथे? नाही, पाणी मिळतं, पाणी भरपूर आहे नळाला, पण ते लोक नळ सोडत नाही। पाणी बोल पाणी होणार, पाणी 2-3 दिन बंद आहे, नल नली नाही छोड रे, जेव्हा चालू करते तो मार छोड करते। 3 दिन से पानी की ऐसी समस्या चल रही है कि घर में कुटी माँ और भरने को बिल्कुल पानी नहीं है। कहाँ जाएंगे वो पीने के वास्ते? बिल्कुल पानी पानी को तरस रहे, और बाकी के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही परेशान हो रहे, सबके सब पानी के वास्ते। यही मेरी प्रार्थना है।
क्या मांग है तुम्हारी सब लोगों की? पानी की। तुम्हारे को पीने के लिए तक पानी नहीं है? नहीं, इन्हें हमारे घर में आके सब देख सकते हैं पानी है या नहीं है। तो इनके पास में वो जानवर वैसे बगैर पानी के बंदे, आदमी भी वैसे, बच्चे भी वैसे, को भी पानी नहीं था। होने के बाद पानी मिलने सिटीनस के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटीनस कार्यालय धनराज लायन सक्कर साथ अमरावती। हमारा फोन नंबर है 256-3833। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मिल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net पर। सिटीनस पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स